2024 में मैंने कई सारी चीजें एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन नारुतो का लाइव एक्शन उनमें से बिल्कुल भी नहीं थी। एक नॉर्मल लाइव एक्शन नहीं होने वाला जिसमें 8 या 12 एपिसोड हमें दे दिए जाएंगे और हम एक दो दिन में बैठ के पूरे देख लेंगे और उससे हमें अंदाजा लगा लेंगे कि ये सीरीज हमारे टाइप की है भी या नहीं। ना 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 ना, इस बार ये थोड़ा अलग कर रहे हैं। अभी अलग क्यों कर रहे हैं उसका रीजन देने से पहले मुझे तुम्हें दो ट्रेंड समझाने होंगे। एनिमे में जो ट्रेंड आजकल सबसे ज्यादा चल रहे हैं वो दो क्या है, एक है मूवीज। आजकल तुम हर जगह देख लो एनिमे मूवीज ही मेन रीजन है जिसकी वजह से काफी एनिमे बहुत ज्यादा ग्लोबल हुए हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर का सीजन 1 बहुत ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन उसको और नेक्स्ट लेवल पे क्या लेके गया, उसकी मूवी। जेजेके सीजन 1 बहुत ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल क्या लेके गया, उसकी मूवी। अब पहला ट्रेंड तुमने दिमाग में रखना, पहला हो गया मूवीज। दूसरा ट्रेंड क्या है आजकल, लाइव एक्शन। रिसेंटली तुमने देखा होगा वन पीस का लाइव एक्शन कितना ज्यादा सक्सेसफुल था, आज तक का वो टॉप 1 पे रहा कितने टाइम तक, मतलब उसने नेटफ्लिक्स के कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके बाद एक और लाइव एक्शन आया यू यू हाकुशो का, वो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। और फिर अब एक दो दिन पहले या फिर कुछ टाइम पहले एक एवटार का आया है, वो भी सक्सेसफुल जा रहा है। तो तुम ट्रेंड समझ ही रहे होगे, एक मूवीज हो गया ट्रेंड और एक लाइव एक्शन। तो नारुतो के लाइव एक्शन उन्होंने क्या करा, उन्होंने दोनों को जोड़ दिया। या 8 या 12 एपिसोड का लाइव एक्शन नहीं होने वाला, ये होगी एक मूवी जो थिएटर्स में रिलीज होगी। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है नारुतो कैसे पूरा दिखाएंगे मूवी के, उसमें या तो पार्ट्स आएंगे मूवीज के क्या होगा, लेकिन तुम उसको थिएटर में जरूर देख पाओगे। अब तुम्हारी थोड़ी होप्स ऊपर करने के लिए कि तुम सोच रहे हो कि ये कैसे काम करेगा, अगर तुम मार्वल को फॉलो करते हो तो तुमने शांग-ची जरूर देखी होगी और काफी लोगों को मूवी बहुत ज्यादा पसंद है इंक्लूडिंग मी। जो शांग-ची का डायरेक्टर था उसका नाम था डेस्टिन डेनियल क्रेटन, और वही बंदा हमारे लाइव एक्शन भी करने वाला है। तो होपफुली उसको थोड़ा बहुत पता होगा कि ये सब कैसे करते हैं वगैरह, हमसे तो ज्यादा ही पता होगा, तो वो थोड़ी पॉजिटिव न्यूज है। और एक और पॉजिटिव न्यूज है कि जो किशिमोटो है उसने खुद कहा इंटरव्यू में कि वो इसमें काफी इन्वॉल्व रहेगा और उसको काफी भरोसा है डायरेक्टर पे। जैसे कि हमने देखा था वन पीस लाइव एक्शन इतना सक्सेसफुल इसलिए हुआ था क्योंकि ओडा उसमें परमानेंटली इन्वॉल्व था। बाकी तुम सोच रहे हो कि ये सब तो ठीक है, आ कब रहा है, इसकी अभी रिलीज डेट तो हमारे सामने नहीं आई है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं प्रेडिक्ट करूंगा तो मेरे हिसाब से 2025 के बीच में समर टाइम के आसपास तक या देख सकते हो तुम। फाइनली बात करते कि ये सक्सेसफुल होगा। अब देखो ये 50-50 चांस है क्योंकि हमने देखा जैसे लाइव एक्शन पहले था कि बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन रिसेंटली थोड़े सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है, वो थे 8 या 12 एपिसोड और उन्होंने बहुत छोटा पोर्शन कवर कर रहा था वन पीस का, लेकिन इसमें वो कह रहे हैं एक मूवी होगी, मूवी में तुम कितना ही कर लोगे मतलब। तो इसके लिए मैं काफी ज्यादा मुझे डर लग रहा है कि कैसे इसको सक्सेसफुल करेंगे, तो मेरी होप्स काफी कम है। लेकिन मैं पता नहीं कि नारुतो की फैन बेस इतनी बड़ी, तो अगर उतना अच्छा नहीं भी हो मेरे हिसाब से टिकट्स वगैरह तो इसकी आराम से बिक जाएगी, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम डीमन स्लेयर का एग्जांपल ले लो जो आजकल मूवी आई है, टिकट्स तो बिक रही है जबकि वो 1 घंटे का उसमें रीकैप है। भाई कुछ आएगा तो पक्का उस पर रिएक्ट करूंगा, उसका बात करूंगा क्योंकि काफी बड़ी चीज है नारुतो का लाइव एक्शन। अगर तुम चैनल पे पहली बार आ रहे हो, मैं एनिमे से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, ज्यादातर रिएक्शन होते हैं, कभी कभी क्विज होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। अगर तुम ये वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे थैंक यू, बाय बाय।